अहम खबर आपको देते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मश्क अल बैसा 2024 के दौरान मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की फायरिंग का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मश्कें देखी। आर्मी चीफ ने एयर डिफेंस की दुरुस्तगी और अहदाफ को शामिल करने की काबिले जिक्र कामयाबी को सराहा है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज किसी भी खतरे को रोकने और जवाब देने के लिए निज़ाम को जदीद बना रही हैं। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और मुसल्ला अफवाज के शहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मश्क अल बैसा 2024 के दौरान मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुशाहिदा। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी खालिद महमूद, बताएगा आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम का मुशाहिदा किया, क्या कहा इस मौके पर? जी देखें जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज मश्क अल बैसा 2024 जीती, इसमें मुख्तलिफ जो एयर डिफेंस सिस्टम का उसमें जो फायरिंग का मुशाहिदा था वो किया और आर्मी चीफ ने इस मजबूत निज़ाम और जंगी मशीन जो है वहाँ पर देखी, जिनमें जो है हाई टेक टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम जो है वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज और डिफेंस सिस्टम शुरुआत इसमें मौजूद है, जिसके तहत जो है वो दुश्मन को आसानी टारगेट किया जा सकता है और निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की जो फजाई सरहदों की दिफा है इसको बढ़ाने के लिए ये एक तारीखी कामयाबी है और संगीन की हैसियत रखती है। और इस मौके पर आर्मी चीफ ने तमाम जो यहाँ पे शुरुआत मौजूद थे साहब से जो उनकी कामयाबी थी उस पर मुबारकबाद दी और आर्मी चीफ ने अपने डिफेंस सिस्टम की दुरुस्ती और ऑपरेशनल तैयारियों के साथ साथ अपने अहदाफ को शामिल करने की भी कामयाबी को भी सराहा। और आर्मी चीफ ने इस मौके पर वहाँ पे मौजूद जो अफसान थे उनके साथ भी गुफ्तगू की। ठीक है खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।